दोस्तों एक मेरी वीडियो थी, इस पर कॉपीराइट क्लेम आया था एंड इसमें मैंने कुछ सेटिंग्स अप्लाई की या ट्रिक्स अप्लाई की, तो उसके बाद इसमें से कॉपीराइट क्लेम हट गया, आप देख सकते हैं, और मोनेटाइज भी हो गई वीडियो। पहले इन एलिजिबल थी मोनेटाइजेशन के लिए, बट अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई की तो ये मोनेटाइज हो गई, कॉपीराइट क्लेम हट गया। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र और आप सभी का स्वागत है आज की इस पीटी में। दोस्तों मेरी एक वीडियो है, इस पर कॉपीराइट क्लेम आया है एंड इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ के साथ उस वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हटा के बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यूट्यूब स्टूडियो में आएंगे एंड यहाँ से आप कॉन्टेंट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ वीडियो के नीचे आप फिल्टर में कॉपीराइट क्लेम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सभी वीडियो शो हो जाएंगे जिन पर कॉपीराइट क्लेम होगा, तो मेरी यहाँ पर एक ही वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है एंड दोस्तों इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम म्यूज़िक की वजह से आया है, तो चलिए इसको हम सही करते हैं। तो दोस्तों जिस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है उस वीडियो के आप नीचे देखेंगे साइड से तो एक एडिट या थ्री डॉट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थ्री ऑप्शन शो हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ट्रिम आउट सेगमेंट, सेकेंड ऑप्शन रिप्लेस सॉन्ग एंड थर्ड ऑप्शन म्यूट सॉन्ग। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप सॉन्ग को ट्रिम कर सकते हैं, जितना क्लिप में कॉपीराइट क्लेम आया वीडियो को उतना आप उससे कट कर सकते हैं। तो यहाँ ए पहला ऑप्शन है, अगर ए ऑप्शन आपके पीसी या फ़ोन में नहीं खुल रहा है तो सेकंड ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस सॉन्ग। दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सॉन्ग को रिप्लेस कर सकते हैं, कॉपीराइटेड सॉन्ग हट जाएगा और उसमें से नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग Y2 स्टूडियो में ऐड हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये भी बेस्ट ऑप्शन है एंड थर्ड ऑप्शन है दोस्तों म्यूट सॉन्ग, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे बिकॉज इसमें हम सॉन्ग ही म्यूट कर सकते हैं, जिस सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट क्लेम आया, बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट क्लेम आया उसको हम म्यूट कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देन यहाँ म्यूट पर भी क्लिक कर देंगे तो वीडियो आपकी अंडर प्रोसेस में चली जाएगी। एंड दोस्तों आप देखेंगे 2 या 3 मिनट्स में तो आपकी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा, जैसे कि मेरी इस वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हट गया है एंड वीडियो भी मोनेटाइज हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।